हेलो गाइज, आपके अपने चैनल शेयर मार्केट स्टॉकर में आपका स्वागत है। सो गाइज, हम इस वीडियो में बात करेंगे अदानी ग्रुप की एक एंटिटी अदानी पावर के बारे में, जो कि जबरदस्त कंडीशन में दोबारा स्टार्ट हो चुका है। इसकी जो लोअर सर्किट था वो दोबारा से वो तोड़ के और अपर सर्किट आज दोबारा से स्टार्ट हो गया गाइज। तो बात करें इसके, जो कि एक महीने की बात करें तो गाइज, यहाँ से लेके 10 जून से लेके टोटली लोअर सर्किट लग रहा था इस पे 154, जो कि 166-167 रुपये तक ये गया था, 52 वीक हाई है इसका। उसके बाद टोटली लोअर सर्किट लगा था और आज दोबारा से जो कि उल्टा चल पड़ा है, जो कि अपर सर्किट लग चुका है इसमें। तो गाइज, जब इस चैनल की फर्स्ट वीडियो हुई थी तब सिर्फ और सिर्फ अदानी ग्रुप की इस एंटिटी के बारे में बताया गया था। इसका प्राइस उस टाइम पर करीब करीब 35 रुपये के आसपास का हुआ करता था। तो गाइज, काफ़ी उसी टाइम से ही मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ कि गाइज इसको ले लीजिए, इसको इकट्ठा कर लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ अदानी की एक एंटिटी बची हुई है जिसका प्राइस जो कि बिल्कुल नीचे है और काफ़ी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास इसको अभी एक्वायर करने की, इसको अपने पोर्टफोलियो में रखने की, एक बड़ा प्रॉफिट आपको दे सकता है। तो गाइज, उस टाइम को एक साल भी नहीं हुआ है और आप खुद देख सकते हैं कि आज भी 121 रुपए के आसपास इसका प्राइस आपको मार्केट में मिल रहा है। अगर 52 वीक हाई की बात करें तो ज़्यादा टाइम की बात नहीं है गाइज, 10 दिन पहले की ही बात है, 167 रुपये तक ये गया था और आज भी 121 रुपये, जो कि ऑफकोर्स जो कि लंबे टाइम से इसमें लोअर सर्किट लग रहा था, काफ़ी जो कि अटकलें आ रही थी, काफ़ी बड़ी ही बुरी न्यूज़ थी जिसकी वजह से इसमें लोअर सर्किट लगा, वो भी डिस्कस करेंगे। जिसकी वजह से आज अपर सर्किट लगा वो भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, सबसे पहले इसका एनालिसिस चेक कर लेते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। अगर बात करें इसके स्पॉट एनालिसिस की तो 6 स्ट्रेंथ है, 4 वीकनेस है, 4 अपॉर्चुनिटीज़ है, 1 थ्रेट है। तो गाइज, स्ट्रेंथ की बात करें, MACD क्रॉस ओवर अबव सिग्नल लाइन, ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन, ईयर ऑन ईयर कंपनी विद डिक्रीजिंग प्रोमोटर प्लेज। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि प्रोमोटर प्लेज यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। रिसेंट रिजल्ट की बात करें, ग्रोथ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट विद इंक्रीज इन ऑपरेटिंग मार्जिन ईयर ऑन ईयर, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, प्राइस अबाउट शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करें वीकनेस की, कंपनीज विद ग्रोविंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, रेड फ्लैग हाई इंटरेस्ट पेमेंट्स कंपेयर टू अर्निंग, declining revenue every quarter for the past 2 quarters, book value per share deteriorating for last 2 years, opportunities की बात करें तो 4 opportunities है, positive breakout, third resistance, turnaround companies, loss to profit, quarter on quarter, highest recovery from 52 week low, हाई वॉल्यूम हाई गेन। एंड बात करें थ्रेट की तो एक थ्रेट भी है, इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम। एंड आज की बात करें ऑफकोर्स, जो कि दोबारा से इसमें बाइंग स्टार्ट हो गई है क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ इसमें आ रही है, एक नहीं दो न्यूज़ आई है जिसकी वजह से जो कि अपर सर्किट दोबारा से स्टार्ट हो गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इसके सेंटिमेंट की बात करें तो सेंटिमेंट भी देख लेते हैं ऑफकोर्स, जो कि अभी एट प्रेजेंट, जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही ये न्यूज़ आई है, कल शाम को ही न्यूज आई है, जिसकी वजह से जो इसका सेंटीमेंट है 24% पाए का, 72% सेल और 4% होल्ड करने का सेंटीमेंट इसमें नजर आ रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करें इसके जो कि फाइनेंशियल की, तो ऑफकोर्स इसका रेवेन्यू की बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो यहाँ पर जो कि डाउनफॉल देखने को मिला है, बट अगर ईयर ऑन ईयर बात करें तो यहाँ पर अच्छा खासा जो कि इंक्रीमेंट भी देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो गाइस, कंपनी जो कि प्रॉफिट में आ गई है, ऑफकोर्स जो कि जो दिसंबर क्वार्टर में काफ़ी बड़ा लॉस शो किया था, बट अभी 13 करोड़ का इसने प्रॉफिट भी दिखाया है। तो गाइस, काफ़ी ज़बरदस्त कंडीशन में अभी होने जा रही है, हो चुकी है। एंड अगर बात करें अर्निंग पर शेयर की, तो ऑफकोर्स यहाँ पर जो कि अभी लॉस में ही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करें होल्डिंग की, तो जो कि प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी बड़ी तादाद में, करीब करीब 75% यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें 6.43% होल्डिंग है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करें 7.12% होल्डिंग है, फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें 11.49% यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर जो कि होल्डिंग ऑफकोर्स जो कि बिल्कुल स्टेबल बनाई हुई है, फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें यहाँ पर होल्डिंग हल्की सी डिक्रीज हुई है। तो गाइज, डायरेक्टली जो कि काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी, जो कि जिसमें जिसकी वजह से पूरे अदानी ग्रुप में हलचल सी मच गई थी और लोअर सर्किट, कई एंटिटीज़ पे लोअर सर्किट लगने स्टार्ट हो गए थे, इनमें से अदानी पावर भी एक है। सो गाइज, वो न्यूज़ पर चलते हैं। तो ये न्यूज़ थी जिसकी वजह से जो कि लोअर सर्किट लगना शुरू हो गया था, अदानी शेयर स्लंप आफ्टर फ्रीज प्लेस्ड ऑन फॉरेन फंड्स। जो फॉरेन से फंड आ रहा था उसकी जो कि 3 एंटिटी जो कि
फ्रीज हो चुकी है, जो कि NSDL हैज फ्रोजन द अकाउंट ऑफ अलबुला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड, APMS इन्वेस्टमेंट फंड, इट्स वेबसाइट शोज विदाउट सिटिंग अ रीजन फॉर द फ्रीज। सो गाइस, ये रीजन था जिसकी वजह से जो कि अदानी की जो कि काफ़ी सारी एंटिटी जो कि नीचे आ चुकी है, मैक्सिमम एंटिटीज नीचे आ चुके हैं, उसका शेयर प्राइस नीचे आ चुका है, और जिसकी वजह से ऑफकोर्स जो कि गौतम अदानी जी को भी काफ़ी लॉस हुआ था उसकी वजह से। एंड बात करें इसकी न्यूज़ पर जो कि जिसकी वजह से आज काफ़ी ऊपर गया जस्ट बिकॉज ऑफ ये न्यूज़ है, तो गाइस डायरेक्टली उस न्यूज़ पर भी चल। तो गाइस सबसे पहले और बड़ी न्यूज़ ये है कि कल शाम को ही ये न्यूज़ आई है, अदानी पावर टू एक्वायर 1200 मेगावाट का SR पावर्स महान प्रोजेक्ट एक्वायर किया, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है जिसकी वजह से आज इसमें एकदम से गेम चेंज हो चुका है। द कंट्रीज लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर इन द प्राइवेट सेक्टर अदानी पावर लिमिटेड विल एक्वायर द 1200 मेगावाट SR पावर्स महान प्रोजेक्ट। सो गाइस जिसकी वजह से यहां पर जो कि बाजी पलट चुकी है, द कंट्रीज लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर इन द प्राइवेट सेक्टर अदानी पावर लिमिटेड विल एक्वायर द 1200 मेगावाट SR पावर्स महान प्रोजेक्ट लोकेटेड इन सिंगरौला डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ऑफ द नेशनल कंपनी लो ट्रिब्यूनल इशूड अ लेटर ऑफ इंटेंट टू अदानी पावर ऑन June 17th, सेड अदानी ग्रुप कंपनी इन अ फाइलिंग ऑन स्टॉक मार्केट। सो SR पावर्स महान पावर प्लांट सप्लाइज पावर थ्रू द महान सिपत ट्रांसमिशन लाइन एंड इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द रेलवे शेडिंग 18 किलोमीटर अवे फ्रॉम द प्लांट फॉर द सप्लाई ऑफ कोल एंड अदर रॉ मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री सोर्सेज। अदानी पावर विल सेल आउट क्लोज टू ₹3000 करोड़ फॉर महान प्रोजेक्ट। 3000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जो कि इसने एक्वायर किया है, इट मीन्स कि काफ़ी ज़बरदस्त इसमें वर्थ है अभी। एंड अगर बात करें जो कि ये न्यूज़ ये हर जगह फ्लैश थी, मध्य प्रदेश अदानी पावर नेम्ड सक्सेसफुल बिडर फॉर SR पावर 1200 मेगावाट प्लांट इन सिंगरौला डिस्ट्रिक्ट। सो गाइस ये न्यूज़ है जिसकी वजह से आज जो कि बाजी टोटली पलट चुकी है, जिसकी वजह से जो कि लोअर सर्किट लगता था अदानी पावर में, अब दोबारा से अपर सर्किट लगना शुरू हो गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें तो एक लेटर भी दिया था 20 तारीख को, ये NSE और BSE दोनों को दिया गया था, जिसमें AGM की डेट अनाउंस हुई थी 13th of July। सो गाइस ये डेट अनाउंस हो चुकी है जिसमें AGM जो कि ऑफकोर्स जो कि एनुअल जनरल मीटिंग है, तो ये चीज़ें भी अनाउंस हुई हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ यहाँ पर, एक नहीं दो न्यूज़ आ रही है और कल शाम की ही न्यूज़ है। सो गाइस जिसकी वजह से आज एकदम से बाजी पलट चुकी है, जिसमें लोअर सर्किट लगता था डेली बेसिस पे, करीब करीब 10 दिन से कंटिन्यू लोअर सर्किट लग रहा था, और आज इमिडिएटली एक पलक चपकते ही इसमें अपर सर्किट लग गया एकदम से, जो कि करीब करीब 70 लाख क्वांटिटी जो कि लोअर सर्किट पे लगी हुई थी इमिडिएटली एकदम से उसको एक्वायर किया गया है। इट मींस कि काफ़ी ज़्यादा वर्थ अभी इसमें नजर आ रही है, क्योंकि प्राइस कुछ भी नहीं है गाइज, ₹120 का प्राइस, क्योंकि ये काफ़ी ज़बरदस्त आपको प्रॉफिट दे सकता है अगर कंडीशन सही रही तो। सो वंस अगेन थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सो प्लीज़ टेक केयर, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर।